सो गाइस अभी आप मेरे YouTube वीडियो का एनालिटिक्स देख सकते हो यार, पहले वीडियो में बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे थे एंड वीडियो ने अचानक से जो हाइप पकड़ ली। तो इसका कोई सीक्रेट ट्रिक वगैरह है या फिर मैंने सीक्रेट हैशटैग वगैरह यूज किया या फिर मैंने कोई ऐसा टाइटल यूज किया है जिसकी वजह से मेरी वीडियो में हाइप जो अचानक से बढ़ गई या फिर मेरे कंटेंट में दम था या फिर थंबनेल में दम था। तो यार आज की वीडियो में आपको मैं यही सब पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ एंड बहुत सारे मिथ्स वगैरह है कि सीक्रेट ट्रिक्स वगैरह होती है एंड भी बहुत कुछ, तो आज मैं सारी क्लियर कराने वाला हूँ। सो एक्चुअली में ये चैनल मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है एंड इस चैनल का नाम है द हेल्पिंग शॉट एंड इस चैनल के ओनर है जीत गजरा। तो उनसे मैं आपको आज डायरेक्ट मिलवाने वाला हूँ एंड उससे हमने क्वेश्चन करने वाले कि उन्होंने अपनी वीडियोस मतलब कैसे हैशटैग यूज किए, टाइटल उनका कंटेंट क्या था एंड थंबनेल उन्होंने जब चेंज किए होंगे या फिर, तो वो सब अपने बात करेंगे एंड उनसे डायरेक्ट जो वो अपने जानेंगे कि क्या था। तो चलो अभी मिलते हैं जीत गजरा से। सो अभी हमारे साथ है जीत गजरा एंड इनकी चैनल का नाम है द हेल्पिंग शॉट एंड इस चैनल पे आज 400,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। अब आप पूछोगे यार 400,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर तो सिल्वर प्ले बटन मिला हुआ है कि नहीं, तो इन्हें सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है जो कि मेरे हाथ में, जो कि ये रहा। सो ये है इनका सिल्वर प्ले बटन एंड इधर आप नाम भी देख सकते हो द हेल्पिंग शॉट 1,00,000 सब्सक्राइबर। तो अब बात करते हैं इनके वायरल वीडियोस के बारे में। तो आपको स्क्रीन पे जो इनके वायरल वीडियोस वगैरह दिख रहे होंगे तो इनके रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछेंगे। इनके बहुत सारे वीडियो पे बहुत कम व्यूज आए एंड किन पे यार मिलियंस पार व्यूज गए। तो सबसे पहले अपने बात करने वाले हैशटैग के बारे में, फिर अपने बात करेंगे टैग्स वगैरह के बारे में, आप कौन सा कंटेंट यूज करते हो और थंबनेल के बारे में, ये चार चीज के बारे में बात करेंगे। तो व्यूअर्स के यार मित्र वगैरह होते हैं कि वीडियो वायरल होने के मेन पीछे कारण क्या होता है, बहुत सारे बोलते हैं कोई ट्रिक लगा दो, ऐसी कुछ है कि मतलब ट्रिक वगैरह लगा के अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हैं? ऐसे कोई ट्रिक तो है नहीं, लेकिन जैसे थंबनेल आप हैशटैग डाल सकते हो अच्छे अच्छे या फिर अच्छा थंबनेल ला सकते हो, जितना छोटा थंबनेल डालोगे उतने ज्यादा व्यूज आने के चांसेस है। ज्यादा बड़ा एक्सप्लेन करोगे खाली थंबनेल में, जैसे कि ज्यादा बड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब कि थंबनेल में बहुत ज्यादा ओवरनाइट वगैरह नहीं करना। हाँ, ज्यादा वो नहीं करना। और हाँ, सबसे मेन चीज जो मैं पूछना भूल गया, व्यूज एंड सब्सक्राइबर ओरिजिनल है कि बोट वगैरह कहीं से खरीदे या फिर बहुत सारे होते हैं ना सब कुछ सब कहते हैं, वैसे कि ओरिजिनल है सब? वैसे तो ओरिजिनल ही, आप चैनल पे देख सकते हैं कुछ ऐसा वगैरह किया नहीं, मतलब रियल ऑडियंस है इनके चैनल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हैशटैग के बारे में। तो हैशटैग मतलब जो वायरल वीडियो पे कैसे हैशटैग यूज किया? ऐसे हैशटैग तो सब में यूज करते हैं, लेकिन वायरल वीडियो में जैसे हैशटैग शॉर्ट्स डाल दिया और थोड़ा बहुत क्रेडिट दे दिया, जो मतलब एक्सपेरिमेंट के ऊपर वीडियो बना उनको क्रेडिट दे दिया थोड़ा, तो आ गए। और हाँ, मैं चैनल के बारे में बता दूं तो चैनल में मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मिस्टर इंडियन हैकर हो गए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो को, बड़ी वीडियो को शॉर्ट में समझाते हैं। तो मतलब आप एक हैशटैग शॉर्ट्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं शॉर्ट को वायरल करने के लिए एंड फिर हैशटैग फनी हैशटैग वायरल वीडियोस, मतलब वो वीडियो के ऊपर जो वीडियो नंबर है उस हिसाब से एंड जिस वीडियो पे व्यूज नहीं आए उस पे क्या स्थिति, उसको आपने हैशटैग नहीं डाले इसकी वजह से नहीं आए, उस पे थोड़ी कंटेंट की भी कमी थी, कंटेंट अच्छा नहीं बना और एक आध दो हैशटैग छूट गए थे उसमें, उसकी वजह से उसमें नहीं आया, मतलब हैशटैग से व्यूज आते हैं, हैशटैग से आ सकते हैं व्यूज। तो ये अपना एक पहला चीज क्लियर हो। अब दूसरा है टाइटल आप किस हिसाब से डालते हो, कि मतलब दो तीन लैंग्वेज यूज करते हो उसके अंदर, एक लैंग्वेज छोटा टाइटल बड़ा टाइटल शॉर्ट्स के लिए? टाइटल तो ऐसा होना चाहिए अट्रैक्टिव, मतलब छोटा टाइटल पढ़ के भी वीडियो व्यूअर्स को अच्छा लगना चाहिए, मतलब अगर ज्यादा बड़ा टाइटल होगा तो अच्छा नहीं लगे, छोटा टाइटल हो तो व्यूअर्स को भी थोड़ी आकर्षित होगी कि क्या है वीडियो में वो देखने के लिए। तो मतलब आप मैं इनके ना टाइटल्स आप देख सकते हो किस तरीके के इनके टाइटल है, हिंदी में इंग्लिश में मिक्स टाइटल है जो कि आप वगैरह यूज वगैरह करते हो। तो अब बात करते हैं कंटेंट के बारे में, आप कंटेंट किस तरीके का यूज करते हैं अपने वीडियोस पर? कंटेंट तो इन्होंने बोला कि मिस्टर इंडियन हैकर की शॉर्ट क्लिप्स यूज करते हैं, उस पर एक्सप्लेन कर देते हैं, उस पर ज्यादा कॉपीराइट के भी चांसेस होते नहीं अगर आप उनको एक बार क्रेडिट दे देते हो तो, और ईमेल वो सब प्रोवाइड कर देंगे, अगर कॉपीराइट के चांस हो तो आप निकाल सकते हो इसलिए। मतलब दिलराज भाई जो की ओनर है मिस्टर इंडियन हैकर चाहिए, उन्होंने बोल रखा है कि आप मेरे वीडियो वगैरह यूज कर बोल सकते हैं, और आप खाली मिस्टर इंडियन हैकर का यूज करते हो? नहीं, बाकी जो भी एक्सपेरिमेंट की बड़ी बड़ी चैनल है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट अगर मैंने भी कर दिए तो वो भी डाल देते हैं कभी कभी बीच में, ऐसा सब मिक्स रहता है। और एक्सपेरिमेंट के साथ ये वो भी करते हैं कि मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेटिव फीचर वगैरह, तो मैंने तेरी वीडियो से मतलब बहुत कुछ तेरी वीडियो से कंटेंट मैंने इस पे भी डाले कि मेरे को भी मालूम चला हाँ ऐसी चीज है मेरी ऑडियंस को भी बताना चाहिए टेक के मतलब टेक के मामले में जाके। सो अब मेरा लास्ट और फाइनल ये सवाल है कि कंटेंट देख भाई अच्छा होगा तो वीडियो भी मिल जाएगा, तो टेक्स्ट में अपने थोड़ा बहुत कर ले हिंदी इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो मैंने हैशटैग वगैरह समझ लिया। अब मैंने थंबनेल में अपने गेम खेलते कि होता ही नहीं, मैं अपना रिव्यू भी दूंगा लास्ट में कि मेरा क्या है, पर पहले इनसे पूछते कि यार 3,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मतलब 4,00,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो थंबनेल के ऊपर क्या मतलब कि थंबनेल अच्छा
तेरा क्या मतलब रिव्यू है थंबनेल तो ज्यादा मैटर करता है अगर लॉन्ग वीडियो, जैसे कि मैं तो शॉर्ट्स ही अपलोड करता हूँ, ये तो बड़े बड़े वीडियोस अपलोड करते हैं, इनके लिए मैटर कर सकता है थंबनेल, मिले इतना थंबनेल मैटर नहीं करता अगर मैं शॉर्ट डालता हूँ तो, अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो फिर थंबनेल मैंने मतलब रिसेंटली चैनल में विजिट करते रहता हूँ देखते रहता हूँ तो अभी लॉन्ग वीडियो स्टार्ट किए, लॉन्ग वीडियो में भी थंबनेल में आपकी इंप्रूवमेंट हुई होगी मेरे हिसाब से, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ था तो वो एक्सपीरियंस थंबनेल आप जैसे जैसे बनाते जाओगे उसी सबसे व्यूज आते जाएंगे, थंबनेल तो सबसे ज्यादा मैटर करता है, एक बार के लिए टाइटल हैशटैग मैटर नहीं करता, थंबनेल सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये थी चार पांच चीजें जो कि मित्र वगैरह रहते हैं एंड ट्रिक वगैरह मेरे हिसाब से कोई नहीं रहती, कोई नहीं रहती वो सब खाली बस फेक चीज है एंड ये सब मित्र वगैरह लगातार करते जाओगे तो बस अपने आना ही है उसमें। अब मैं मेरा रिव्यू बताता देख मेरे देखो भाई हैशटैग वगैरह में, और हाँ एक मेन चीज मैं भूल गया, टाइमिंग वीडियो का टाइमिंग है कोई मतलब कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइमिंग रहती है उस टाइम वीडियो में व्यूज ज्यादा आते हैं टाइम के साथ, टाइमिंग का तो कोई भी मैटर रहता ही नहीं है, टाइमिंग कभी भी डालो कभी भी व्यूज आ जाएंगे, आपके चैनल पे ऐसा नहीं है कि आपने टाइमिंग को लेके किया हो, नहीं टाइमिंग का तो सर एक बार व्यूज आ गए तो अपने रोल लगेगा कि ये टाइमिंग, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, कल डालोगे उस टाइम पे तो व्यूज नहीं आएंगे ऐसा होता है। इस चीज में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरे में है ऐसा कि मैं अपने चैनल पे जब भी रात को 9 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरी ऑडियंस शायद 9 बजे के आसपास रहती है, तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है टाइमिंग के लिए, लेकिन इनके टाइम के हिसाब से नहीं, अगर आपकी ऑडियंस है एक बार एक दो बार आप ट्राई करना टाइम के हिसाब से, उस टाइम पे हर बार वीडियो जा रही है तो उस टाइम पे आप वीडियो अपलोड कर, जो कि मैं करता हूँ अपने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों पे। एंड मेरी वीडियो का मैं बात करता हूँ वायरल होने, मेरे इंस्टाग्राम पे 2-3 वीडियो वायरल हुई है आपको आ जाएगी, तो ये कैसे वायरल हुई है, एक तो मेन जो कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड होते हैं जो कि अपने कोई भी शॉर्ट्स या फिर रील बना वो यार काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो मैंने उस पर ध्यान दिया, एक मेरा वो कंटेंट बस एंड हैशटैग वगैरह रील के अलग है यूट्यूब के अलग है, एंड मैं यूट्यूब में शॉर्ट्स की बात करूं मैं खाली एक यूज कर हैशटैग शॉर्ट्स वो है बस मैं वही करता हूँ, बाकी मैं कुछ ज्यादा शॉर्ट्स वगैरह यूज नहीं करता। एंड थंबनेल में मेरे में बहुत इंप्रूव हुआ है थंबनेल में, जो कि मेरे को जितने भी बोला है कि भाई तूने बहुत अच्छा थंबनेल में इंप्रूव किया, जो कि आप देख सकते हो इधर थंबनेल पहले एंड अभी के मेरे देख सकते हो थंबनेल कैसे, तो कुछ मिक्स वगैरह मैंने आपके क्लियर करे। एंड एक हमारा छोटा सा कॉलेज था, हम स्कूल टाइम से एक दूसरे को जान रहे कि ये मेरे जूनियर थे मैं सीनियर, तो उस टाइम से फ्रेंडशिप वगैरह है तो एक कॉलेब करना था कर लिया, एंड इनके चैनल पे सिल्वर प्ले बटन वो सब वगैरह है तो वो सब हमने बात वगैरह की है कि मतलब शॉर्ट्स चैनल को भी सिल्वर प्ले बटन मिल सकता है एंड कैसे अपनी वीडियो को वायरल वगैरह किया जाए, तो वो सब हमने एक दूसरे को ऐसे बातचीत भी कर ली आपको भी बता दिया तो वो सब था। और हाँ मैं एक चीज आपको और बोलना चाहता हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि शॉर्ट्स चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होता है कि नहीं ऐसे कंटेंट पर जैसा ये डाल रहे, तो हम अगली वीडियो पे उस टॉपिक मतलब डिस्कस करने वाले, तो वो वीडियो जरूर मिस मत करना, नीचे सब्सक्राइब बटन है प्रेस कर लो, बेल आइकन वगैरह प्रेस वगैरह कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर लेना। सो मिलते हैं अपने दूसरी वीडियो पे, सो सब्सक्राइब वगैरह करने वाले सब्सक्राइब कर देना भाई की चैनल को, तो चलो अपने मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।